गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ऑस्ट्रिच की स्टडी करेंगे जिसका जूलॉजिकल नेम स्ट्रुथियो कैमिलस है। सबसे पहले हम इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रिच या स्ट्रुथियो किंगडम एनिमेलिया का सदस्य है। इसका फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास एवीज है। इसकी जो सब क्लास है वो नी ऑर्निथीज है। ओके, क्लास एवीज को हमने दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया है, आर्कियोर्निथीज एंड नी ऑर्निथीज। आर्कियोर्निथीज का हमने रिप्रेजेंटेटिव आर्कियोप्टेरिक्स पहले पढ़ लिया है, आज हम नी ऑर्निथीज पढ़ रहे हैं। नी ऑर्निथीज का ऑस्ट्रिच मेंबर है, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं नी ऑर्निथीज। नी ऑर्निथीज के अंदर छोटी पूंछ वाले जो बर्ड्स होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जिनमें वर्टिब्री की संख्या 13 से कम होती है। फोर लिम्स जो होते हैं इनके अंदर विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। स्टर्नम, एक वेल डेवलप्ड स्टर्नम इनके अंदर पाया जाता है। ओके, नी ऑर्निथीज के बाद अब सुपर ऑर्डर जो है ऑस्ट्रिच का, दैट इज पेलियोग्नेथी, जिसको हम रेटिटी भी कहते हैं, उसका यह सदस्य है। रेटिटी जो इसका सुपर ऑर्डर है उसके अंदर किस प्रकार के बर्ड्स को सम्मिलित किया जाता है, दीज आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, जो कि उड़न के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे बर्ड्स को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इनके अंदर विंग्स जो हैं वो या तो एब्सेंट हो सकते हैं या वेस्टिजियल विंग्स इनके अंदर पाए जाते हैं। स्टर्नम जो है वो फ्लैट स्टर्नम पाई जाती है। पाइगो स्टाइल भी इनके अंदर एब्सेंट हो सकती है या अनडेवलप्ड पाइगो स्टाइल इनके अंदर पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वेरी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स जो है वो पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रिच का ऑर्डर जो है वो है स्ट्रुथियोनिफॉर्मिस, फैमिली स्ट्रुथियोनिडी, जीनस स्ट्रुथियो, और जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं बच्चों दैट इज स्ट्रुथियो कैमिलस। कैमिलस इसकी स्पीशीज जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है ऑस्ट्रिच का। अब यदि हम इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ऑस्ट्रिच जो है वो लिविंग बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट नॉन लिविंग बर्ड है। ओके, लेकिन ये तेज दौड़ने वाला जंतु है। ये अधिकतर समूह बनाकर जो है शुष्क स्थानों पर पाया जाता है, इसे कॉमनली कैमिल बर्ड भी कहा जाता है। ओके, यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखें ऑस्ट्रिच का, तो ये मूलतः कहाँ पाया जाता है, ये अफ्रीका जो रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच जो है उसकी बॉडी, ऑस्ट्रिच की बॉडी यदि हम देखें तो हेड, नेक रीजन और ट्रंक रीजन के अंदर ये विभाजित होती है। एक जनरल ऑस्ट्रिच की जो कैमिलस स्पीशीज है, यदि हम उसकी हाइट देखना चाहें तो हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2.1 to 2.8 meters या 6 to 9 feet हाइट के ये जंतु होते हैं। इनका जो विंग्स स्पान है वो 2 meters का विंग स्पान होता है। वेट जंतु का वो अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज वेरी करता है, फ्रॉम 63 to 145 kg इनका वेट हो सकता है, और ये लगभग 4 to 5 feet लंबे जंतु होते हैं। ये जंतु जो है वो ग्रुप्स बना के रहते हैं जिन्हें फ्लॉक कहा जाता है। ओके, स्पीशीज टू स्पीशीज इनके फ्लॉक्स भी वेरी करते हैं, 5 to 50 birds के जो है इनके ग्रुप्स ये हो सकते हैं। अब यदि हम इसके डाइट की बात करें तो ऑस्ट्रिच जो है वो ओमनीवोरस टाइप का एनिमल है, जो अधिकांश जो तो वेजिटेबल्स जिसमें ग्रासेस, रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स इन पे फीड करता है, और ओकेजनली ये जो स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स और स्मॉल लिजार्ड्स हैं उन पर भी फीड कर सकता है। जनरल अपीयरेंस के अंदर यदि हम देखें
तो ऑस्ट्रिच जो है उसके अंदर जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन के अंदर बिग आईज पाई जाती हैं और बीक पाई जाती है, ठीक है। ट्रंक रीजन इसका काफ़ी फैला हुआ भारी होता है और छोटे पंख युक्त ट्रंक रीजन पाया जाता है, लेकिन ये पंख उड़ने में सहायक नहीं होते हैं। लेकिन इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो काफ़ी लंबे और मजबूत हाइंड लिम्स में पाए जाते हैं, जिनके फुट में दो अंगुलियां थर्ड एंड फोर्थ नंबर की पाई जाती हैं, ओके। और इन लिम्स के द्वारा या इन लेग्स के द्वारा जंतु जो है वो काफ़ी तेज़ रन करता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये जंतु दौड़ सकता है। ये जंतु नियत तापी जंतु होता है। इनके अंदर जो है लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट पाई जाती है। मेल जो जंतु होता है उसके अंदर टेल और जो उसके फैदर्स होते हैं वो वाइटिश ब्लेश कलर के होते हैं, ब्लैकिश कलर के, और जबकि फीमेल के अंदर ब्राउनिश कलर के जो है फीमेल होती हैं। एक सॉलिड पेनिस मेल जंतु के अंदर पाया जाता है और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस उपस्थित होता है, और ये जंतु जो है वो पॉलीगैमस जंतु होते हैं। इनका जो लाइफ स्पान है वो अप टू 40 इयर्स तक इनका लाइफ स्पान होता है।